परमेश्वर ने पश्चाताप किया। कभी भी पूरे बाइबल में आपने ये पढ़ा कि एक मनुष्य ने परमेश्वर को पश्चाताप करने लगा है? कभी भी ऐसा कभी किधर पढ़ा? पर एक बार क्या होता है, एक बार वक्त आया इसराइलियों का और इसराइली लोग परमेश्वर से बगावत कर रहे थे। इसराइलियों का वक्त था और इसराइली नीचे थे। मूसा 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर उपवास कर रहा था। खुदा कहता है मूसा नीचे जाकर देख, इसराइलियों ने बगावत। मूसा को परमेश्वर ने बोला मैं इस सारे इसराइलियों को खत्म कर दूंगा। मूसा ने बोला परमेश्वर मैं गुस्से को शांत कर, और परमेश्वर ने बोला नहीं आज मैं लोगों को मार दूंगा। मूसा ने कहा तू इनको मारना चाहता है जो सर्वप्रथम मेरा नाम जीवन की पुस्तक से बराबर ना आप सबने पढ़ा जीवन की पुस्तक से मेरा नाम काट दे। उसके बाद जब मूसा ने बोला परमेश्वर मूसा को बोलता है कि मैं लोगों को मारूंगा और इसराइलियों के बीच में मूसा का कहता है अब तो पता है कौन था मूसा कौन था प्रॉफेट एक भविष्यवक्ता था और एक भविष्यवक्ता खुद परमेश्वर के सामने रखा। परमेश्वर ने कहा मैं इनको मारूंगा पर वही वर्ड को बदलने वाला मूसा बोलता है नहीं और परमेश्वर बोलता है मैं पछताता हूं। अरे परमेश्वर ने रिपीट किया मूसा के बहुत पुराना जिसका नाम विलियम ब्रैनम है। 1950 की बात है 1950 की और 1950 के पहले 1948 के अंदर विलियम ब्रैनम अपने घर में बैठे थे। ध्यान से सुनना अच्छे से जो मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। घर में बैठे हुए थे विलियम ब्रैनम घर में बैठे हुए थे और खुदा ने उनको दर्शन दिया। ओके दर्शन देते ही उन्होंने दर्शन में ये देखा कि दो जवान लड़के कार में ड्राइव कर रहे हैं और वो कार बहुत तेजी से मूव कर रही है और सडनली उस कार का एक्सीडेंट होता है और एक इंसान कार में मर जाता है और जैसे कार पंप होती है दूसरे कार के ऊपर कार में से एक पर्सन बाहर निकल कर गिरता है और एक इंसान कार में ही मर जाता है। विलियम ब्रैनम को ये विजन आया 1948 में। 1950 के अंदर वो किसी मिनिस्ट्री के लिए उनके मिनिस्ट्री के थ्रू न्यूयॉर्क समथिंग मूव हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर और उनका मीटिंग खत्म होने के बाद वो रास्ते के ऊपर चल रहे थे। ध्यान से सुन रास्ते पर चल रहे थे और चलते हुए आफ्टरनून एक गाड़ी पीछे से बहुत जोर से आती है दो साल बाद और वही गाड़ी पीछे से आकर एक गाड़ी को पंप होती है एक इंसान बाहर निकल के गिरता है और एक गाड़ी में ही मर जाता है और प्रॉफेट विलियम ब्रैनम समुद्र जगह से गुजरते हैं और देखते हैं कि जो विजन मुझे आया था वो विजन अभी फुलफिल हुआ है और जैसे विलियम ब्रैनम समुद्र के पास जाकर देखते वो इंसान मरा हुआ होता है। उस इंसान को गाड़ी से बाहर निकाला जाता है रास्ते पर लेटाया जाता है। देखो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं एक मरा हुआ शरीर रास्ते पर लेटा हुआ है पूरा ब्लड बह चुका है गाड़ी डेड बॉडी है। इवन विलियम ब्रैनम में उनके क्लोथ्स उनके नेम उनका सब कुछ इतना इन डिटेल उस विजन में देखा था और एक्सप्लेन कर चुके थे ऑलरेडी और दो साल के बाद सेम विजन उन्होंने फुलफिल होते हुए देखा और वो लाश जमीन पर पड़ी हुई है। इस जगह पर लाश पड़ी हुई है खून पूरे जगह पर फैल चुका है। क्या ये पॉसिबल है कि वो खून वापस उस बॉडी में आ सकता है? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? पर देखो क्या हुआ आपको सिर्फ ब्लड की है ना कि खून बह गया तो मर गया
उसका पता नहीं एक शरीर कहाँ था, एक कहाँ था, एक कहाँ था, पर बॉडी लेटी हुई थी और विलियम ब्रांसन ने अपने नीस को रास्ते पर झुकाया और क्या कहा पता जीवित हो। अब बिलीव नहीं करोगे, रियल स्टोरी बता रहा हूँ, अब बिलीव नहीं करोगे, ब्लड ऐसे चलते हुए आया और उस पर्सन के अंदर मुर्दा लेटा हुआ है। विलियम ब्रांसन ने उसको कहा नहीं उठ, उसका लहू फर्क नहीं पड़ा, वो गाड़ी में बह चुका है यहाँ पर, वो जिंदा हो रहा है। आत्मिक बलिदान, gifts of the spirit। ये वक्त आज क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि आप लोगों ने अपने आप को पहचाना कि मेरे अंदर कौन सा गिफ्ट है। जब तक हमको पता नहीं चलता कि हम लोग कौन से गिफ्ट्स के साथ मूव कर रहे हैं, तब तक हम लोग वो वर्क के अंदर नहीं आते, तब तक हम लोग उस ऑफिस में नहीं आते, उस अनॉइंटिंग के अंदर नहीं आते। जरूरी नहीं है कि वो गिफ्ट सिर्फ एक मैन ऑफ गॉड के अंदर हो, एक वुमन ऑफ गॉड के अंदर हो। क्या मैं इससे पहले कभी स्ट्रेस में आया था? नहीं ना, फर्स्ट टाइम आया ना, फर्स्ट टाइम देखा ना, तो मेरे को किसी ने बताया था वुमन ऑफ गॉड का नाम लिंसी है? किसी ने बताया था या किसी ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी या मेरे को भाई का बहुत देख या फिर ऐसा कुछ किसी ने बताया था? अभी तो शुरुआत है ना, अभी गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट, यू नो, एक आत्मिक वरदान सिर्फ एक मैन ऑफ गॉड में, वुमन ऑफ गॉड में नहीं मिलता। वो आमेन, आमेन, ओ आमेन, हे प्रभु, हे सिस्टर, आमेन, थैंक्स फॉर माय कॉलिंग, आमेन। चलो एक बार की स्टोरी बता दो। लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अंदर हम तो गरीबों को खाना खिला रहे थे एंड खाना खिलाते हुए बॉक्सेस में, लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने बहुत लोगों ने वो किया, बॉक्सेस में बॉक्सेस हम लोग शेयर कर रहे थे और लोग आए बोलते प्रॉफिट खाना खत्म हो गया। अब मैंने बोला लोगों को खिलाना है, अब क्या करें? बोलते नहीं खाना खत्म हो गया अभी, तो बोलते सिर्फ बॉक्सेस बचे हैं, फूड खत्म हो चुका। मैंने बोला ओके लिसन कर, बोला कि बॉक्सेस लेकर आओ, बोला बॉक्सेस को बंद करो एंड आई से और प्रार्थना करके उसको ओपन किया। ये कोई मिरेकल नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो हो जाता है या फिर कराया जाता है। ये एक गिफ्ट है जो मुझे समझ आया है, ये एक ऐसा ऑफिस है जो मुझे समझ आया है। फिर आपको क्यों नहीं? जो भविष्यवाणी अफ्रीका में होती है, जो भविष्यवाणी अमेरिका में होती है, अरे ये इंडिया है, इंडिया में प्रॉफिट है। पर आपको क्या क्या मिला? यूवेडी के पास, बेतरपन के पास, अरे इंडिया में आमेन। ये रिस्पांस तो आपकी आपकी प्रॉफिट चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए तो प्रॉफिट है आपको, परमेश्वर बोलता है मैं पांच डालता हूं। वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, जो क्रिएटर है क्रिएशन है, वो क्रिएटर क्रिएशन सुझाता बोलता है कि मैं पछताता हूं। क्यों पता है? सिर्फ एक भविष्यवक्ता की वजह से। तेरे मैं नहीं समझा, अभी समझाता हूं। देखो शमूएल था, शमूएल को लोगों ने उकसाया और लोगों ने कहा कि हमको राजा चाहिए, बराबर। लोगों ने बोला कि राजा चाहिए, शमूएल बोलता है कि यह नहीं हो सकता। लोगों ने कहा चाहिए, शमूएल परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर को बोलता है परमेश्वर ये लोग बोलते हैं नया राजा चाहिए। पर परमेश्वर ने तो कब जेनेसिस से लेकर ड्यूटरोनॉमी के अंदर एक
प्रॉमिस कर दिया था, क्या कहा था पता है, किंग बनेगा अगर इज़राइल का तो सिर्फ और सिर्फ ट्राइब ऑफ जुड़ा से बनेगा, यहूदा के गोत्र से राजा बनेगा इज़राइल का, पर जो शाऊल राजा बना कहा का था बेंजामिन का, तो फिर वर्ड को किसने शिफ्ट किया, लॉर्ड के, लॉर्ड ने कहा किंग ऑफ जुड़ा जो है वो जुड़ा के ट्राइब से होगा, पर शमूएल बोलता अब नहीं, अब किंग बनेगा तो जब एक खुदा का नबी आपके पास आता है वो खुदा के वादे को लेकर आता है, और ये गिफ्ट ऑफ स्पिरिट चर्च में मोस्टली काम करते हैं, यू नो लिस्ट पॉल, पॉल सबको पता है, पॉलस एक ऐसा पर्सन था जो अनुग्रह को लेकर चलता था, सिर्फ ग्रेस को प्रीच करता था, कभी झगड़ा नहीं किया पॉलस बनने के बाद, शाऊल जब तक था तब तक तो वो अलग ही था, पर जब पॉल हुआ था ग्रेस को लेकर चलता था और ग्रेस को प्रीच करता था, पर एक बात क्या हुआ पता है, एक्ट चैप्टर नंबर 13 में लिखा है पॉल और बर्नबास दोनों चल रहे थे, और एक ऐसा पर्सन था जिसको गॉस्पल प्रीच करना था और उसको गॉस्पल प्रीच करने का हकीम था, और उस हकीम के पास एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम बाल यीशु था, जिसे एलिमास कहा जाता, छोटा भविष्यवक्ता बाल यीशु, तो ना पौलुस हकीम को गॉस्पल सुना रहा है और ये बाल यीशु छोटा भविष्यवक्ता आकर हकीम को बोलता है इनकी बातें मत सुन, पौलुस को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, ग्रेस को लेकर चलने वाला, अनुग्रह को लेकर चलने वाला, कभी किसी को उल्टा नहीं बोलता जब से कौन बना है, पर जब उसके गॉस्पल के बीच में एलिमास आया, पौलुस उसके पास देखता है, जस्ट देखता है और क्या कहता है पता, आज से तो अंधा हो जाएगा, वो उसी घड़ी अंधा हो जाएगा, स्पिरिचुअल डायमेंशंस, आमेन। आत्मिक दुनिया के अंदर ना चीजें इधर से इधर कब शिफ्ट हो जाए किसी को पता नहीं चलती, एक मन ऑफ गॉड इस चीज को जानता है कि जब वो घर पे बैठकर आपके लिए प्रार्थना करता है कि लॉर्ड इसको बचा, लॉर्ड इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर, आपको लगता है वो इजीली हो गया पर एक्चुअल में पीछे प्रार्थना है आपके मन ऑफ गॉड की, आप समझते हो कि आत्मिक वरदान कैसे काम करते हैं, बोलता है इनफ इज इनफ, बहुत हो गया रोना, अब बोलता है इनफ इज इनफ, तू अंधा हो जाएगा, और वो अंधा हो जाएगा, I wish कोई मेरी आज बात को सुने, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके पास मैन ऑफ गॉड है या नहीं है, पर आपके पास स्प्रिट है, आपके पास स्प्रिट का गिफ्ट है, आप फिर मूसा के समान आओ लाके उतर कर समुद्र में रखो, और समुद्र दो भाग, मूसा को छोड़ दो, आपको मूसा नहीं पसंद, यहोशू के पास यहोशू आता है, यहोशू बोलता मेरी लड़ाई चालू है और इतने सारे सैनिक रात हो चुकी है कितनों को मारो, क्या करता है पता है, यीशु नाज़रे के नाम से भविष्यवाणी करता है, सूरज ए चांद ए पृथ्वी रुक जा, और वो रुक गया, जब पौलुस अविश्वासियों के पास जाता था तो अविश्वासी लोग यानी कि जो विश्वासी लोग थे, चलो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू बताता, पौलुस जब भी विश्वासियों के पास जाता था ना स्टार्टिंग में लोग बोलते थे कि देखो ये शैतान आ गया, क्यों पता है, क्योंकि ये परमेश्वर के दासों को मार देता, पर जब भी ये अनबिलीवर्स के पास जाता था ना बुक ऑफ एक्ट्स में लिखा है कौन आता था पता, लोग बोलते थे देवता आया है, गॉड आया है, मेरे लोग मेरे को बोलते हैं अल्पन आया है, पर इधर के लोग बोलते हैं प्रॉफिट, अगर आज
प्रॉफिटिक को समझना चाहते कि प्रॉफिटिक क्या होता है. You know, पहले बोला गया कि पृथ्वी जो है अर्थ जो है वो फ्लैट है, उसके बाद कहा जाता है कि वो वर्टिकल है, उसके बाद कहा जाता है कि वो अंडे की जैसी है, पता नहीं कुछ दिनों के बाद कहेंगे कि वो स्क्वायर है. अभी अलग अलग डेफिनेशन आती है अर्थ की, क्योंकि वो प्रेजेंट ट्रुथ के साथ मूव कर रहा है. आप समझते हो कि अभी का जो सत्य है वो सत्य के साथ लोग चल रहे हैं. बाइबल में लिखा है ट्रुथ जो होता है, ट्रुथ वो प्रोग्रेसिव होता है. क्या होता है? प्रोग्रेसिव होता है. जस्ट लाइक कि आज मेरा एज 22 है, तो अगले साल मेरा कितना होगा? 23, राइट? उसके अगले साल 24. ये प्रोग्रेसिव है. और आज सत्य क्या पता, आज मैं 22 साल का हूं, अगले साल सत्य क्या होगा पता है कि मैं 23 साल का, बराबर ना? ये ट्रुथ है. आज 22 तो अगले साल 23, ये ट्रुथ है. बट एक्चुअली ये रेवलेशन नहीं है. सेकंड पीटर चैप्टर नंबर 2 वर्ड्स 1:12 में लिखा है, दूसरा पत्रस 1 के बारे में लिखा है कि बी एस्टैब्लिश्ड इन प्रेजेंट ट्रुथ. अपने आप को उस अभी के सत्य में बना लो, और जब आप उस प्रेजेंट ट्रुथ के अंदर अपने आप को स्टैब्लिश करते हो, फिर एक बात मेरे को याद आती है. आपको पता है पापा हागिन थे, यानी कि केनिथ हागिन उनका नाम है, वो बहुत ही जनरल रह चुके हैं और ऐसे एक मैन ऑफ गॉड रह चुके हैं कि जो इतने अनॉइंटेड थे कि लोग उनको कैरी कर लेकर चलते थे. जब वो किसी के सामने रुक जाते थे उसके चेहरे पे हंसी आई बिना वो कभी नहीं रुकता था. आपने देखा होगा पापा हागिन नाम है उनका. वो एक बार टीच कर रहे थे, और टीच करते हुए क्या टीच किया पता? बोलते हैं कि बाइबल में 9 वरदान नहीं है. जो बाइबल में 9 वरदान दिए हैं वो 9 वरदान नहीं है, उससे ज्यादा है. तो भी ये बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं था, ये बाइबल के अपोजिट में था, विरुद्ध में था. ऐसा लोगों को लगता था, क्योंकि पापा हकीम ने क्या कहा पता कि बाइबल के 9 वरदान सिर्फ 9 वरदान नहीं है, ये उस समय का सत्य था पर बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं था. तो क्या केनिथ हागिन ने झूठ बोला कि 9 वरदान नहीं है? Let me explain. वो सत्य उस पीरियड के लिए था, उस वक्त के लिए था. जैसे आज मैं 22 का हूं तो अगले साल 23 का हो ही जाऊंगा. और आप जब भी बाइबल पढ़ते हो, पहला कुरिन्थियों 12 के अंदर तो लिखा है कि पवित्र आत्मा के कितने वरदान है? कितने? 9 वरदान. अब सबको पता है कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान है, पर केनिथ हागिन कहता है कि नहीं, 9 वरदान नहीं है. तो मैं बाइबल के साथ जाऊं या उस मैन ऑफ गॉड के साथ जाऊं? आप डेफिनेटली क्या बोलोगे? बाइबल के साथ जाऊं. पर मैं अगर कहूं मैं बाइबल के साथ उस मैन ऑफ गॉड के साथ जाऊं, तो आप बोलोगे या नहीं हो सकता? लिसन, जब मैंने प्रोफेटिक शुरू किया और एक पर्सन कुर्सी पर बैठा है और एंजल उस कुर्सी को उठाकर इस जगह पर रखता है, लोग अपोज करने लगे, ए, ये डेमोनिक है, ये शैतान ने किया. लिसन टू मी, जस्ट लिसन टू मी, मैं आपको क्या समझा. जब मैं भविष्यवाणी करता था लोग बोलते थे ये शैतान की तरफ से कर रहा है. मैंने बोला ओके, ग्रेट मैन ऑफ गॉड जो सामने खड़े होकर कहता है कि ये इविल स्पिरिट है. मैंने बोला ओके, पर आज आपको पता है वही मैन ऑफ गॉड मेरे को अपने चर्च में बुलाते हैं. जिस जगह पर मैं कल था आज उस जगह पर आने के लिए लोग रुके, बोलते प्रॉफिट आपने जो कल किया था वो आज हमको आज करना. जब आप आज मेरे आओगे ना, तब मैं कल में मेरे कल में रहूंगा. Because you know, prophetic, progressive है. Same चीज केनिथ हागिन कह रहे थे. बोलते हैं कि 9 gifts of spirit से कितना नहीं है. Listen, एक और example बताता हूँ. My mentor, you know, Prophet Yuridage. मेरे मेंटर के जो मेंटर है पास्टर क्रिस, एक बार क्या हुआ, वो एक बार मिनिस्ट्री के लिए एक जगह पर गए और बहुत बड़े होटल में रुके हुए थे, और होटल में सडनली आग लग गई. अजूम वालों आप सुन रहे हो ना मुझे?
यूट्यूब फेसबुक सुन रहे हो ना? यस। पासक क्रिस एक बार होटल में रुके हुए थे और आग लग गई और सब लोग डर कर भागने लगे और रात का समय था और रात के समय में ऑफकोर्स सब लोग अपने पजामा में होते हैं, अपने नाइट सूट में होते हैं और सब लोग नाइट सूट में भाग रहे थे और उनके साथ जो कोऑर्डिनेटर्स थे वो लोग डर गए। पास्टर क्रिस अंदर बेडरूम में है और होटल में आग लगी हुई है, आधा घंटा हो गया अब तक नहीं आए और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आकर आग को बुझाने लगी है और आग इतनी बढ़ रही है। बट यू नो पास्टर क्रिस सूट पहन कर जस्ट लाइक होटल में आग लगी हुई है और वो मैन ऑफ गॉड क्या कर रहा है पता है? अच्छा खासा सूट पहनकर रात को लाइक एकदम हीरो के जैसे चल रहा है, होटल में से बाहर आ रहा है। क्या चीज थी कि वो आग भी इस पर्सन को नहीं जला सकी? बाइबल में क्या लिखा पता है? ये सीमेंट का हो सकता था, ये दीवार सीमेंट की। बाइबल में लिखा है, एक्ट्स में लिखा है, जीसस रिजरेक्ट होकर आया और उसके डिसाइपल्स कलीसिया के अंदर थे, चर्च के अंदर थे और जीसस चर्च के बाहर था। जीसस ने डोर को लॉक नहीं किया। जॉन चैप्टर नंबर 20 में लिखा है, जीसस वॉल से इंटर करता है। आई विश जीसस वॉल से इंटर कर रहा है डायरेक्टली, तो फिर पास्टर क्रिस क्यों नहीं कर सकता? प्रॉफिट अर्पण क्यों नहीं? आमेन। आपके बाइबल में लिखा है जो कुछ बोल रहा हूं मैं, आमेन आमेन मेरे बाइबल में। तो आई विश आप इन चीजों को समझ सको। गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट, क्या ऐसी चीज है जो आग लगी हुई है और आपको नहीं पता कि आपके अंदर से कौन बोल रहा है? बोलता है आग शांत हो और वो आग शांत हो जाती है। आपको ये भी नहीं पता कि आपके अंदर से कौन बात कर रहा है पर आपको कोई तो बोल रहा है कि इसको बोल। अभी के सत्य को पहचानोगे तो वो सत्य कल जाकर वो सत्य नहीं रहेगा, क्योंकि मैं खुद हमेशा के लिए 22 इयर्स का नहीं रहने वाला, कभी ना कभी तो बढ़ूंगा ना। यही सत्य होता है, यही सत्य। एक बार क्या हुआ, पौलुस अपने पत्री को लिख रहा था, अपने बुक को लिखते हुए कुरिन्थियंस में लिखा है, देखो जरूरी नहीं है कि जीसस ही बोले। मैरिड स्त्री को बोला गया कि मैं तुमसे कहता हूं, पौलुस तुमसे कहता है अच्छा हो तो तुम शादी करते या ना करते, तो ये मैं कहता हूं, जीसस नहीं कहता। मैन ऑफ गॉड पत्रस में लिखा है, जो भी तुम बोलो ऐसा बोलो कि परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं। एक मैन ऑफ गॉड जो भी बोलता है ना, आपके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द परमेश्वर का वचन होता है। आमेन। से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। फिर आप अक्यूज करने लगे, आप उसके विरुद्ध आकर बोलने लगे कि नहीं ये बाइबल के विरुद्ध बात कर रहा है कि बाइबल में तो सिर्फ नौ वरदान लिखे हुए हैं। तो फिर वो वरदान कौन सा था जो यीशु को पानी पर चला रहा था? वो वरदान कौन सा था कि जो समंदर दो भाग कर रहा था? वो वरदान कौन सा था जब पतरस एलिया और मूसा को देख रहा था? कौन सा वरदान था? मेरे बाइबल में बताओ।
कि बाइबल में सिर्फ नौ वरदान नहीं है। लोग बोलते हैं नहीं डेमोनिक है, प्रॉफिट अर्पण ने कुर्सी हिलाई बिना हाथ लगाए, लोग बोलते हैं डेमोनिक है। पर आज मैं बोलता हूं, आज जब आप अपनी आंखों से देखो ना कि कैसे स्वर्ग दूत लो, आप यहाँ पर बैठे हुए हो आंख बंद करके और आप यहाँ पर आके खड़े हो रहे हो, आपको बिना टच किए। It's prophetic, my brothers. इंडिया लगता है। आज आपको अंतर कंट्री जाने की जरूरत नहीं है प्रॉफिट्स के लिए, ये इंडिया है और इंडिया का एक प्रॉफिट है। लोग कहते हैं कि नौ वरदान है पर एक मैन ऑफ गॉड खड़ा हुआ, एक मैन ऑफ गॉड बोलता है ना इस जगह पर नौ नहीं, नौ से कहीं अधिक है। जब आपको नौ वरदान पता चलते हैं तो आप उसी जगह पर सीमित हो जाते हो। भविष्यवाणी का दान, चंगाई का दान, अन्य भाषा का दान, इसका दान, उसका दान, नौ वरदान। और आपको पता चलता है बाइबल में सिर्फ नौ वरदान लिखे हैं और एक क्रिश्चियन उसी जगह पर लिमिट के साथ रुक जाता है। फिर वो लोग मैन ऑफ गॉड के पास आते हैं और बोलते हैं मैन ऑफ गॉड हमारे अंदर कौन सा गिफ्ट है, उनको पता है कि मैं इस नौ वरदान में फिट नहीं होता, इसलिए आकर क्या बोलते हैं मैन ऑफ गॉड हमारे पास कौन सा गिफ्ट है। एफिसियन चैप्टर नंबर 3 वर्स 20 एफिसियन उसका 3 अध्याय 20 वचन, यस कोई रीड कर सकता है एफिसियन 3 अध्याय उसका 20 वचन। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारे हमारी और समझ से और विनती से अधिक प्रॉफिट अर्पण बोल रहा है कि लॉर्ड मेरे को BMW चाहिए। प्रार्थना है, विनती है, लिसन टू मी, आप प्रार्थना कर रहे हो कि मेरे को एक खुद का घर चाहिए, एक बच्चा चाहिए, शादी जल्दी हो जाए, अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि लॉर्ड मेरे को एक BMW दे दे, विनती है ना, और मेरी समझ है कि बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो बाइबल बोलती है तेरे समझ से परे और तेरे विनती से, जीसस बोल रहा है तू मेरे को BMW मांग रहा, मैं तेरे को जेट वनार के मांग रहे, वो बोलता मैं 3 BH। हमारे विनती और समझ से परे काम करने वाला होली स्पिरिट। आपको ये भविष्य बनता है सच्चा, कि भविष्य बनता है जब वो चलता है तो उस जगह के ऊपर गिफ्ट्स नहीं, उस जगह के ऊपर मैन ऑफ गॉड नहीं, उस जगह के ऊपर रिलेशन काम करता है। बाइबल में लिखा है दानियल एक भविष्य बनता था, लिसन टू मी एंड लिसन टू द होली स्पिरिट। दानियल को आप सब लोग जानते हो ना, दानियल एक भविष्य बनता था, कितने बार प्रार्थना करता था, 3 बार। कुछ लोग 3 बार प्रार्थना करने की वजह से दुश्मन बन चुके थे। आप एक बार करते हो आपके परिवार वाले अपोज आकर खड़े होते हैं, तू प्रार्थना करता तेरी वजह से घर में ये होता। दानियल 3 बार करता था और वो राज्य के अंदर मुखिया था, बेलशस्सर राजा ने उसको मुखिया बनाया था देश का, पर उसके नीचे जो थे ना वो जलने लगे, बोलते कि नहीं दानियल ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। यस ब्रदर्स, यस सिस्टर्स, आप एक वरदान होने लगे, ज्यादा अन्य भाषा में बात करने लगे हो, ज्यादा प्रार्थना करने लगे हो, बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, नया घर, लोग बोलते हैं ये ज्यादा करने लगा, कुछ करना पड़ेगा। दानियल भी यही था, दानियल की ग्रोथ अपने आप हो रही थी क्योंकि उसका समय प्रार्थना में उन्नति पा रहा था। लोगों ने पिंग करी और राजा को बोला, राजा ऐसा आदेश निकाल कि अगर तुझे छोड़कर कोई भी मनुष्य किसी और के सामने झुके तो उसको कहां डाल दिया जाएगा, शेरों की बाग में। अभी राजा को पता चला दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता है मुझको छोड़कर। राजा बहुत नर्वस हुआ दानियल की चीज सुनकर, नहीं डालना चाहता था, और डालते हुए कहता है जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है वही परमेश्वर तुझे
God is a living God. Amen. And our God is living God. हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, कल था, आज है और युगानुयुग. राजा बोलता है दानियल जा, तेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा. मेरे परमेश्वर ने शद्रक मेशक हनन्या ये तीन लोग दानियल के दोस्त थे, जिन्होंने राजा के सामने झुकने से बेहतर आग में जाना समझा. भट्टी है सात गुना तेजी से आग है, जहां पर भट्टी होती है ना, यानी कि बेकरी वाली भट्टी, उससे करीबन करीब 10 गुना ज्यादा होगी वो भट्टी, इतनी भयंकर थी. उस भट्टी में तीनों को डाल दिया. तीनों कहते हैं हम लोग जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं आमीन हालेलुया, वो ऑलरेडी भस्म करने वाली आग है. इस आग में गए तो तीन आए, कितने आज भविष्य वक्त अर्पण तो आया है पर अकेला नहीं, किसी को साथ लेकर आया है. दानियल को बोला दानियल सिंह के मान में जा. दानियल ने जैसे एंट्री करी सिंह आकर देखते भविष्य वक्त आए. पास्टर नहीं, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, एक बिलीवर नहीं, एक प्रार्थना करने वाला नहीं, एक भविष्यवक्ता. सिंह देखकर बोलते हैं अब नहीं खा सकते, क्योंकि दानियल ने क्या किया पता. दानियल बोलता है यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं तेरा मुंह बंद. सिंह पूरा दिन शांत थे उसके साथ. अगले दिन सुबह राजा जल्दी भोर को उठकर आया और देखता है दानियल, हे दानियल राजा तेरी जय हो. राजा बोलता तू जिंदा, मेरा परमेश्वर अपना जीवन परमेश्वर को दो. परमेश्वर बोलता है ये जीवन तो क्या देगा. लोग बोलते हैं ना आपके मेहनत करने बोला अगर आपको कि अपना जिंदगी सुधार उद्धार के अंदर चाह बपतिस्मा ले, पर आपको पास्टर हमेशा बोलता रहता है ये पास्टर बोलेगा क्योंकि ये पास्टर का काम है. पास्टर के बोलने के बाद जीसस आकर बोलता है बेटा जिंदगी तेरी नहीं है. जिंदगी जब पास्टर बोल रहा था ना उद्धार के लिए जा उद्धार, तब आपने बोला नहीं 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 हम लोग नहीं कर, पर जीसस आकर बोलता है ना तो शाउल से कौन हो जा. अब्राहम से अब्राहम शाउल से पॉल बनने के लिए सिर्फ एक एनकाउंटर काफी था, एक एनकाउंटर. और जब शाउल आगे मूव करने लगा तो उसके अंदर एक आत्मा काम करता था जो आज मुझ में और आप में काम करता है. बाइबल में लिखा है एफिसियों 3 अध्याय के 20 में कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है. अब ऐसा सामर्थ्य इतना पावरफुल जो हमारे विनती और समझ से कई अधिक काम करता है. मैं सोचता 10 हूँ परमेश्वर 100, मैं सोचता 100 हूँ वो बोलता है 1000, मैं 1000 पर आता वो आता 10000 पर. मुझसे बोलता है परमेश्वर मेरे को तेरी गलती समझा दे, मेरे को तेरा मैथ समझ नहीं आता. सैलरी 5000 है, परमेश्वर बोलता है नहीं 5 नहीं 50 के लिए काम कर रहा है. पर आप बोलते हैं आपके मैन ऑफ गॉड की जब नहीं सुनते हो ना तब आपका मैन ऑफ गॉड आपको बोलता है ये नहीं आपके लिए है. आप बोलते हो नहीं नहीं इसमें ठीक है 5 में, परमेश्वर इसके थ्रू बोल रहा है बेटा 50 के लिए जाना है. जब आप ऐसा सामर्थ्य जो अपने आपके लिए मेरे लिए बनाया गया है और आप प्रॉफिटिंग में आते हो तो भूल जाओ. प्रॉफिटिंग एक ऐसी चीज है जो मुर्दों में जान डालती है. प्रॉफिट विलियम ब्रांसन ने उस मर्यादा को कहा जिंदा हो. अब ब्लड तो छोड़ो उसके बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं था, वो 2 मिनट में उठकर खड़ा हो जाता. भविष्य जीवन में आता है नाबा कॉन्फ्रेंस
नवामेज भविष्यवाणी, भविष्यवाणी एक नबी के बिना अधूरी है और एक नबी इस जगह पर आया है। हम लोग हिस्ट्री मेकर, हम लोग कौन है? इतिहास बनाने वाले। एक बार क्या हुआ पता, मैं एक मीटिंग में था एंड बहुत सारे लोग, करीबन करीब एक पूरा हॉल भरा हुआ था और ये बात बहुत 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 100% सच है कि जब सबसे पहला इंसान मुझे मिलता है ना तो डाउट करता है, वो डाउट कर रहा है, बोलता है ये कर सकता है क्या, आप मेरे साथ डिनर करो, आप मेरे साथ लंच करो। पर जब मैं अपने डायमेंशन में आता हूँ फिर कहे जी इधर है और एलिशा एलिशा एक भविष्यवक्ता था, उसका जो दास था उसका नाम गेहजी था। एलिशा इतना एक्यूरेट प्रॉफिट था जो राजा की बेडरूम की बातें, यू नो बेडरूम की पर्सनल बातें, बाइबल में लिखा है कि वो शयन के राजा के कोठरी की बातें तक इज़राइल के राजा को बता देता था, इतना एक्यूरेट था। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब भी वो राजा इस राजा पे आक्रमण करने जाता एलिशा बोलता कि राजा आज ही होगा और राजा बच जाता। एक बार बचा, दो बार बचा, सेकंड किंग चैप्टर नंबर 6 में क्लियर लिखा कि बहुत बार बचाया गया। अभी जो आशेरी लोग थे उनको गुस्सा आया, राजा ने बोला मेरे सेना में कौन ऐसा गुप्त खबरी है जो उस राजा को खबर देता है। एक ने कहा भविष्यवक्ता, एक ने कहा भविष्यवक्ता। एक बार क्या हुआ बताया, मैं प्रेयर रूम में था, लॉर्ड ने बात करना शुरू किया, लॉर्ड ने कहा बेटा इज़राइल का राजा बदलने वाला है। मैं कहा था पता है आपको पुणे में, किधर? पुणे में। इज़राइल में आज तक कभी गया इज़राइल के क्या कौन मेरे को कुछ भी पता नहीं, पर लॉर्ड ने कहा इज़राइल का राजा बदलने वाला है। दो दिन के बाद फेसबुक लाइव के ऊपर आज भी वो प्रोफेटिक वीडियोस है। दो दिन के बाद देखा इलेक्शन के अंदर ये प्रेसिडेंट हटकर नया एलिशा एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो आपकी गुप्त बातें भी एक्सपोज कर सकता है। और एक गेहजी था जो उसी के साथ रहता था, यू नो लोग बाहर खड़े हैं, गेहजी सुबह सुबह उठकर झाड़ू मार रहा है और जैसे खिड़की से बाहर देखता सारे घोड़ों से भर हुए रथ भर रुके हुए होते हैं एलिशा को मारने के लिए, भाग कर आता है और एलिशा को बोलता है हे स्वामी उठ। एलिशा बोलता क्या हुआ, बोलता है बाहर लोग मारने के लिए आए हैं। एलिशा ने एक चीज कही, क्या कही पता, मत डर, मत डर। कैसे बोलता है बाहर लोग मारने के लिए आए हैं, एलिशा बोलता मत डर, खुदा मैं आज इसके लिए प्रार्थना करता हूं इसकी आत्मिक आंखें उठते हैं और जैसे एलिशा ने कहा इसकी आत्मिक आंखें खोल, इसने देखा एलिशा के चारों ओर, किसके चारों ओर? गेजी के नहीं, एलिशा के चारों ओर। इतना डिस्टेंस है फिजिकली कि आप मेरे साथ खा रहे हो, बैठ रहे हो, पर गले नहीं लाइक। पर जब इसने इसके लिए प्रार्थना करी कहा इसकी आंखें खोल, ये इंडिया में है, वो दुबई में, आमेन, ये इंडिया में, वो दुबई। और गेजी बोलता है स्वर्ग दूत एलिशा के चारों तरफ, आमेन। आप इस चीज को समझते एलिशा के चारों तरफ और गेहजी बोलता है स्वामी तू सच में मुझसे बड़ा है, इसलिए एलिशा ने कहा था मत डर। क्या प्रॉब्लम लेकर आया हो क्या, फाइनेंशियल
रेंट का प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, बीमारी है, क्या प्रॉब्लम, कहीं फंसे हुए हो, लौटने भेजा ना, लौटने भेजा ना। जब हम लोग आत्मिक वरदानों के साथ चलते हैं ना, आत्मिक वरदान बिना बोले काम करता है, बिना बोले ओ जीसस। आत्मिक वरदान के साथ वो सच्चा रहा था। 40 वर्ष मिस्र में रहा, 40 के बाद भागा मिद्यान, मिद्यान में 40 रहा, 80 का हुआ, 80 के वक्त में एनकाउंटर मिला। एंजल बोलता है लॉर्ड के थ्रू कि मूसा जाकर इसराइलियों को मिस्र से छुड़ा ला। मूसा बोलता है कि मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो बोल नहीं सकता। परमेश्वर ने क्या किया पता है, बोलता है ये लाठी ले, लाठी लेकर फिर उनके सामने डालना, क्या हो जाएगी, सिर्फ बोला कि सांप बन जाएगी। मूसा बोलता है ऐसा हो सकता है क्या, बोलता डेमो दिखा कर, लाठी उठाई नीचे डाली, सांप बन गया। मूसा बोलता ये क्या किया परमेश्वर, परमेश्वर बोलता है बेटा ये मेरा गिफ्ट है। तो ये गिफ्ट मैं बाइबल में दिखाऊंगा किधर लिखा है, 9 वरदानों के अंदर। तो ये हमने पढ़ा है, आज हम लोग अगर लिमिटेशन के अंदर रुके हुए, सिर्फ 9 वरदान नहीं, बाइबल में लिखा है अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारे विनती और समझ से परे काम करता है, भविष्यवाणियों से परे, प्रोफेटिक से परे। एलिया पहाड़ पर बैठा है, 50 लोग आए एलिया के पास आकर बोलते हैं ए एलिया परमेश्वर के दास, चल हमारे राजा ने तेरे को बुलाया है। एलिया बोलता है अगर मैं सच में परमेश्वर का दास हूं तो इसी वक्त आसमान से आग गिरे और इसी वक्त तुम लोग बस पहुंचो। तो फिर ये गिफ्ट किधर था बाइबल में, या अनॉइंटिंग किधर था बाइबल में? फिर आप जब आत्मिक दशा में उन्नति करते हो तो आपको पता होना चाहिए बाइबल असली में क्या बताती है। चलो हम लोग रीड करते हैं, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर नंबर 12 वर्ड्स। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर नंबर 12 वर्ड्स 1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। फिर 9 वरदान लेकर चला भी गया, फिर भी पूछते हो कि मेरे अंदर कौन सा है। जब आपको पता है कि आप इस गिफ्ट के साथ चल रहे हैं तो क्या जिंदगी भर इसी के साथ रहना है क्या? नहीं। किसको फॉलो करते हैं, जीसस को या क्राइस्ट को? जीसस को या क्राइस्ट को, दोनों अलग है। लिसन, जीसस क्रूस पे मर गया ना, कौन रिजरेक्ट हुआ? कौन? मसीह। बाइबल में इसलिए लिखा है तुम मसीह, तुमने मसीह को लिया, तुम मसीह में। समझो मैं आज आपको क्या बता रहा हूं, ऐसा नहीं बोला तुम यीशु में, यीशु आया अपना काम किया, क्रूस पर मरा, अपना लहू दिया और तीसरे दिन जो उठा ना वो जीसस नहीं था, वो कौन था पता है? इसलिए पौलुस बोलता है कि मसीह मुझ में और मैं मसीह में। बोला मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने ये नहीं बोला जीसस के साथ, क्योंकि जीसस एक पर्सन था, पर जीसस के अंदर जो था आई विश वो मसीह था। जब आप Yes, I agree कि जीसस के नाम के आगे आसमान के ऊपर, स्वर्ग, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी पर सब घुटने टिक जाते हैं, पर उस घुटनों को टिकाने वाला मसीह अगर आपके अंदर ना हो ना, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ, I guess कि आप नहीं समझ सकते। Sons of Scabia, Acts chapter number 19 में लिखा है कि महायाजक के साथ बेटे थे और वो दुष्ट आत्मा निकालने गए, और दुष्ट आत्मा निकालते हुए दुष्ट आत्मा बोलती है मैं पौलुस को जानती हूँ, मैं पत्रस को जानती हूँ, तुम कौन हो?
यीशु के नाम से निकाल रहे ना, यीशु तो है पर जीसस उसको मैनिफेस्ट करवाएगा, बाहर आएगा, पर अगर मसीह ना होना, यू नो जीसस मींस सेवियर, उद्धार करता, पर मसीह का मतलब, क्राइस्ट का मतलब होता है अनॉइंटेड। कौन सा है मसीह? तो ऑलरेडी आपके अंदर है ना, जीसस भी है ना, फिर यीशु को क्यों? उद्धार को, उद्धार करता, उद्धार तब ही आया जब आपने कहा कि यीशु तो जीवित है, तू मेरा परमेश्वर है, तभी उद्धार मिल गया। मैं पर मसीह, जब मसीह आता है ना, मसीह जीवन को फिर जीसस पानी पर चलते हुए आ रहा है और पीटर बोलता है तू सच में परमेश्वर है, तो मुझे बोल मैं क्या करूं पानी पर। तो यीशु के साथ कौन चला? चला ना, डूबा क्या? जब अविश्वास किया तो डूबा आएगा, पर चला ना, चला ना, तो आपके अंदर नहीं है वो ताकत चलने की। ऐ स्वयं वो मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या आपके अंदर वो ताकत नहीं है कि आप चल सकते? जब आप मसीह को पहनते हो और मसीह के अंदर आप बढ़ते हो, फिर पौलुस ने नौ वरदान ही क्यों लिखे आपको पता है? क्यों पौलुस ने बुक ऑफ कुरंथियों में सिर्फ नौ वरदान लिखे? जब उसने बुक ऑफ रोमन्स लिखा ना, तो उसने सिर्फ और सिर्फ ग्रेस को दिखाया, अनुग्रह को दिखाया। रोमियो की किताब में जब रोमियो की किताब लिख रहा था, पौलुस पकड़ी लिख रहा था, तो अनुग्रह को लिखा गया। इंट्रोडक्शन ऑफ गुड न्यूज, उसने खुशखबरी की, आनंद के सुसमाचार का सुसमाचार लोगों को बांटा। पर जब बुक ऑफ कुरिन्थियंस में पौलुस कुरिन्थियों की पत्री लिख रहा था ना, उसको रियलाइज हुआ कि ये कुरिन्थियों के लोग अपने आजादी को लेकर गिफ्ट को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही आप पहले कुरिन्थियों की पहली पत्री पढ़ते हो, लिखा है एक आत्मिक मनुष्य आत्मिक को समझ रहा है, बराबर ना, एक शारीरिक आत्मिक को नहीं समझ सकता। ओके, सेकंड में आओगे ना, थर्ड में लिखा है कि कोई कहता है मैं अपोलोस का, कोई कहता है मैं पौलुस का, कोई कहता है मैं पत्रस का, झगड़े हो रहे हैं आत्मिक पिता के लिए। बोलता मैं इसका हूं, ये बोलता मैं इसका हूं। आई नो तो इसका दोस्त का पौलुस बोलता है इस कलीसिया के अंदर मेरे को गिफ्ट को टीच करना पड़ेगा। इसीलिए पौलुस ने बुक ऑफ कुरिन्थियंस के अंदर जितने गिफ्ट उस जगह के ऊपर प्रेजेंट टाइम में वो लोग लीड कर रहे थे, उनको उतने ही वरदान सिखाए। तो आप नौ वरदानों में सीमित रहना चाहते हो? पौलुस ने कुरिन्थियों को सिखाया था वो, क्योंकि वो लोग गलत कर रहे थे। पर आज आप एक प्रोफेटिक कलीसिया, प्रोफेट आपकी कलीसिया में प्रोफेट्स हैं, वो प्रॉफिटिंग मिनिस्ट्री के साथ चल रहा है। आया प्रॉफिट के पास जब आते हो ना, तो पास्टरिंग का चीज कभी का, आप प्रॉफिट की कलीसिया को छोड़कर पास्टर के पास जाते हो ना, शेम ऑन यू। क्यों पता है? ये प्रॉफिट खुदा को भी शिफ्ट करता है और आपके कलीसिया में प्रॉफिट है। ओह माय जीसस। और जब आप मूव करते हो, फिर आप बोलते नहीं, बुक ऑफ कुरिन्थियंस में लिखा है नाइन गिफ्ट्स है, फिर किधर है टेक्स्ट, फिर किधर है कॉन्टेक्स्ट, फिर किधर है प्रीटेक्स्ट? सारी चीजों को मिक्स मसाला मार कर रिप्रेजेंट तो कर दिया, पर क्या वो सच में जा रहा है? इवन यू नो, जब पौलुस ने गलातियों की पत्री लिखी ना, उसके अंदर गलातियों के अंदर एक्चुअल में वो लोगों को सही कर रहा था, क्योंकि लोग लॉ को और ग्रेस को दोनों को एक कर रहे थे, व्यवस्था को। इसलिए गलातियों में लिखा ना कि यीशु जब क्रूस पे मारा गया, जीना देह में लिखा, तो सारी व्यवस्था तोड़ दी गई। ये चीज रोमियो में तूने पौलुस लिखी थी, तो वापस तू इधर क्यों बोल रहा है? बराबर ना? क्यों बता? क्योंकि उस वक्त गलातियों को वो जरूरत थी। बाइबल में लिखा है कुरिन्थियों के, सेकंड कुरिन्थियंस में, कि तुम मसीह की पत्री, तुम मसीह की पत्री, यू आर अ लेटर ऑफ क्राइस्ट। उसको रफ करके ना मैं नया लिख सकता हूं। आमेन।
पॉलस बोलता है जीसस नहीं यहाँ पर मैं बोलता हूँ जीसस को हटा कर साइड में बोलता है जीसस वेट मैं बोल कर आता हूँ और पत्रस बोलता है जो भी पॉलस तू बोलेगा ना मुख्य निकालने वाला हर एक शब्द परमेश्वर का वचन होगा फिर क्या फिर बुक ऑफ कुरंथी में आए और फिर आपको पता चला नौ वरदान है पर आज प्रॉफिट अर्पण आपको सिखा रहा है सिर्फ नौ वरदान हो तो तुम सीमित रहोगे ना चार दीवारी में लिमिटेशन के अंदर बंद कर रहे जाओगे पर जब नौ वरदानों से परे सोचोगे ना ये सोचना मूसा ने समंदर कैसे दो बार कर दिया एलिया ने आग कैसे उतार दी एलिशा ने राजा के लोगों को अंधा कर दिया पौलुस बोलता मैं आज तुझे और बोलता हो जाता तो फिर ये गिफ्ट्स कहां लिखे हैं आपको पता है अपन इंडियन है ना इंडियन हिंदी तो हम लोगों को हिंदी समझना चाहिए हिंदी बाइबल क्या बताती है इंग्लिश नहीं अफ्रीका में नहीं अमेरिका में नहीं आप लोग इंडिया में हो हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों से अनजान अनजान मत रहो आज जब आप आत्मिक वरदानों को पहचानोगे ना जीसस एक्स चैप्टर नंबर 2 में लिखा है 120 लोग क्या कर रहे थे प्रार्थना कर रहे थे 120 लोग प्रार्थना कर रहे हैं और पवित्र आत्मा की जीभें उतर कर आ रही हैं लोगों के ऊपर हर एक के ऊपर कितने लैंग्वेजेस आए फिर 16 लैंग्वेज ना 16 भाषाएं तो फिर एक लैंग्वेज क्यों नहीं है अगर माइंड गिफ्ट है ना होली स्पिरिट में गिफ्ट ये भी है गिफ्ट ऑफ टंग्स राइट तो गिफ्ट ऑफ टंग्स अगर एक है तो हर कोई अलग अलग क्यों बोल रहा था बराबर ना आप अलग बोल रहे हो मैं अलग बोल रहा हूँ डिफरेंस है वो उसके गिफ्ट ऑफ टंग्स में मैं मेरे गिफ्ट ऑफ टंग्स में 120 लोग 16 भाषाएं ये डिफरेंस बताता है कि ये गिफ्ट अलग था ये गिफ्ट अलग अमेरिकन टंग सुनो कभी अफ्रीकन टंग सुनो कभी और इंडियन टंग सुनना कभी कितना फर्क होता है आई विश आप इन चीजों को समझ सको क्या चीज थी कि वो लोगों के बीच में हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और फूड डिस्ट्रीब्यूट करने वाला आखिर प्रॉफिट फूड खत्म हो चुका है लॉकडाउन में फूड देना है लोगों को लोग खड़े हुए हैं खाली बॉक्सेस आई सेड लॉर्ड भर दे अरे वो आसमान से मन्ना उठा उसमें जो कार्य करना मेरे लाइफ में यू नो मैंने इतने ज्यादा टेस्टिमनीज देखे हैं प्रॉफिटिक के अंदर कि लोग हैरान है लोग बोलते हैं कि ये 22 साल का लड़का कैसे कर सकता है कैसे करता है पता है सुबह जैसे नींद खुलती है ना नींद खुलते घुटने मेरे खुदा के सामने चलते हैं तो फिर कुछ जब जब प्रार्थना खत्म होती है ना बाइबल मेरे हाथों में होती है बाइबल जब बंद होती है ना फिर मेरे मुंह से अन्य भाषा मेरा वक्त खुदा के लिए जाता है मैं अच्छे खासे कॉलेज में था सेकेंड ईयर में था और बीए इकोनॉमिक्स कर रहा था किसने मुझे बोला कि अर्पण अपने कॉलेज को छोड़कर अपने फ्रेंड्स को छोड़कर अपने संसार की दुनिया को छोड़कर यीशु के पीछे जब मैं पागल तो नहीं था जवान हूँ जवान खून है अय्याशी है दोस्त है सब है पर आज मैं क्या कर रहा हूँ पता खुदा की मेरे को समझ गया कि अर्पण वक्त कम है जो तू 22 साल में कर सकता है वो आज 50 साल का इंसान है जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा ना तब नई जनरेशन जब बनेगी तो वो एक मिसाल देगी कि भविष्यवक्ता एलिया के समान क्या चीज है जो आपको भविष्यवक्ता में ग्रो करती है लोग बोलते हैं कि चर्च के अंदर सबसे बड़ा मिरेकल क्या होना चाहिए चर्च में सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए चर्च की जो उस वक्त की जो नीड है सेकंड पीटर 1:12 में लिखा है अपने आप को
सत्य में, जो अभी का सत्य है, स्थापित करो, स्थापित करो। और अगर आप अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए, एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, बुक ऑफ क्रॉनिकल्स में लिखा है, इफ यू बिलीव इन गॉड, गॉड विल एस्टैब्लिश यू, एंड इफ यू बिलीव इन प्रॉफिट, प्रॉफिट विल मेक यू प्रॉस्पर। आमेन। दो चीज, एक तो परमेश्वर दिया और एक भविष्यवक्ता दिया। गॉड आपको डेफिनेटली स्थापित करेगा, स्थापित करेगा, बरकत, जब आप सत्य को जानोगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। You know the truth, that truth will set you free, but prophetic आपको free नहीं करेगा। Prophetic आपको क्या करेगा पता है? आजादी देगा। आजादी देगा। जब वो आजादी prophetic के through freedom अंदर आता है ना, तब आप फिर बोल जाते हो क्या संसार, क्या दुनिया। फिर you know आपको आपके गाड़ी का हफ्ता भरना है, ओके? और फिर आप खड़े होकर बोलते हो रा बा 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 बा, उससे जाने वाला क्या गाड़ी का हफ्ता जाएगा? क्या गिफ्ट ऑफ टंग्स आपकी गाड़ी का हफ्ता भरेगा? घर वाली बोलता है अब तो घर का रेंट नहीं आया, और आप बोलते रा बा 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 बा, घर का रेंट जाएगा, उसके लिए क्या लगता है? चाहिए ना? फिर आपका टंग्स, आपका गिफ्ट ऑफ टंग्स उस जगह पे काम आने वाला है क्या? तो फिर आपका गिफ्ट ऑफ मनी भी तो चाहिए ना इस जगह। यू नो, अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आप मेरे सामने खाली बॉक्स लेकर आए और बोलते हो प्रॉफिट इसमें फूड नहीं है, और मैं बोलता हूँ रा बा 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 बा, तो वो फूड आने वाला है क्या उसमें? नहीं है, क्योंकि हर एक चीज के लिए अलग अलग गिफ्ट है। टंग्स तब काम आता है जब आपको उन्नति चाहिए, पैसा तब काम आता है जहां पर आप फंसे हुए हैं, हीलिंग तब काम आता है जब कोई बीमार हो। आप बीमार के पास जाके ऊपर टंग्स बात करोगे तो वही होने वाला है क्या? नहीं होगा। दैट्स व्हाई जो आज मैं आपको टीच कर रहा हूँ ना, ये वो है जो नौ वरदानों से परे है, जिसका नाम पवित्र आत्मा, जिसका नाम क्या है? जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। आइए हम लोग रीड करते हैं पस करेंगे चैप्टर नंबर 6 वर्ड 7 पस करेंगे 7 मैं यह चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। आपने बड़ा क्या लिखा है? मैं ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परंतु हर एक को विशेष विशेष वरदान मिले। नौ वरदान नहीं बोला ना, विशेष विशेष वरदान। कोई मेरा क्यों? फिर हम लोग स्टेज के ऊपर खड़े होकर बोलते हैं I decree and I declare in the name of Jesus. Amen. Miracle money appeared. और लोगों के जेब में आता है, लोग बोलते हैं ये डेमोनिक है, और आज वही पास्टर अल्टर के ऊपर खड़े होकर क्या बोलते हैं पता है? Miracle money appeared. आप समझ रहे हैं? आरी चाप आज आप कर रहे हो, आपको अपोज करने वाला बोलता है नहीं नहीं ये गलत है, बाइबल में नहीं, और वही कल आपके जैसा करता बोलता है कि यीशु के नाम से। इंडिया है ना, इंडिया के अंदर अगर प्रोफेटिक है तो प्रोफेटिक के वैल्यू चाहिए ना। जब भी शमूएल आता था लोग घुटने पर झुक जाते थे, क्यों पता? क्योंकि भविष्यवक्ता था। एक भविष्यवक्ता की जब आप किसी का बर्थ डेट स्टार्ट होता 29 because I saw 29 आशीष या लॉर्ड डेफिनेटली आशीष ना, आशीष मेरे को बताया आपने, आपने बताया
still लोग रिस्पॉन्स दे hey, prophet of God, prophet. नहीं हो गया था आपके घर का कलर क्या है, कल आपने क्या खाया, फ्रिज में क्या है, सब बाहर आता है. रिस्पॉन्स दो बाइबल में लिखा है हर एक के पास विशेष विशेष वरदान है. आमेन. फिर मैं कैरी करता हूँ प्रोफेटिक, आप कैरी करते हो अपोस्टलिक, ये कैरी करता है पास्टरिक, वो कैरी करता है टीचरिक, तो सब में अलग अलग डिफरेंस है. पर जब आप समझते हो ना, जब तक आप समझते हो तब तक बहुत 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 लेट हो चुका होता है. मैं मीटिंग के लिए जा रहा था रिसेंटली, अभी लास्ट मंथ मीटिंग था, तो बहुत बारिश आ रहा था कोने में, एंड मेरे साथ मेरा एक भाई था और हम लोग टू व्हीलर के ऊपर थे, बहुत बारिश था. इसने बोला कि भाई अब जाना नहीं है, रुक जाता थोड़ी देर, बारिश को रुकने देते, उसके बाद जाता है. मैंने उसको बोला तूने कभी बाइबल पढ़ी है, बोलता हाँ. मैंने बोला तूने एलिया भविष्यवक्ता को देखा है क्या, बोलता यस देखा है. मैंने बोला तुमने जाना कभी सबसे पहले बारिश रोकने वाला जो था वो एलिया था. आप बिलीव नहीं करोगे, वो मेरे साथ टू व्हीलर पे बैठा, मैं पीछे बैठा था. मैंने बोला जैसे हम लोग बाहर निकलेंगे ये आसमान अपने दरवाजे बंद कर देंगे. आप पता नहीं करोगे जैसे हम लोग घर से बाहर निकले टू व्हीलर पे से, वो ब्रदर शॉक था, वो बोलता ये कैसे हुआ. जब तक कीमत समझ आती है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है. वो लोग आज पछताते हैं जिन्होंने पहले कहा था कि अरपन तो कुछ नहीं कर सकता, वही अरपन आज बोलता है अब मेरे पीछे घूमना बंद करो. आप समझते हैं एक प्रॉफिट की वैल्यू क्या होती है. जिंदगी में हजार लोग मिलेंगे पर जिस दिन भविष्यवक्ता मिलेगा ना, सावधानी से सुनना क्या खुदा की वाणी को लेकर आया है, कि क्या कहना चाहता है आज पवित्र आत्मा. एक कलीसिया आज आपसे कहता हूं, जिस समान पवित्र आत्मा अग्नि के समान उतरा था, लोगों ने क्या करना शुरू किया था अन्य भाषा में, क्या हो अगर ये चर्च प्रोफेटिक चर्च, क्या हो अगर सत्य पवित्र आत्मा उतरा और वो अभिषेक के द्वारा आप सब बनने लगे. बहुत लोगों को पता होता कि मेरे अंदर वरदान है, मेरे अंदर गिफ्ट है, पर बहुत लोगों के वरदान रुक चुके हैं, काम नहीं कर रहे अभी, प्रार्थना नहीं हो रही है, बाइबल पढ़ने नहीं आ रहा, तो किस बात पे इंतजार है. आज आप अपने आप को एक्टिवेट करना चाहते हो, अपने आप को जागरूक करना चाहते हो कि जब वो गिफ्ट मूव करते हैं. एक लेडी थी जिसको मेरी लाइफ का सबसे पहला मिरेकल बता रहा हूँ कि जब मेरी शुरुआत हुई. और क्या है ना, हम लोग हमारी जिंदगी की पहली चीज कभी नहीं भूलते, जो एक सेवक होता वो तो कभी नहीं भूलता कि मैंने कहाँ से शुरुआत करी थी. मैं बहुत ही कमजोर और डरपोक था परमेश्वर, क्योंकि मेरे को डर लगता था दुष्ट आत्मा से. और मैं नया नया था, 3 महीने हो गए थे, मैं मेरे आंटी के घर गया और हम लोग प्रेयर कर रहे थे, और प्रेयर करते हुए मेरे आंटी ने एक लेडी को बुलाया, वो लेडी के अंदर थी दुष्ट आत्मा, और मैं बैठा हुआ था बेड पर, और जैसे वो अंदर घर में आई मेरे को देखा ऐसे और गिर गई. मैंने बोला इसको क्या हुआ, और गिर करना जमीन पर तड़प रही है, और मेरे अंदर से ना डर इतना बाहर आ रहा. मैं बोला लॉर्ड अब क्या करो, अब क्या करो. मैं बोल रहा हूँ यीशु के नाम से शांत हो, मेरे साइड में मेरा भाई बोलता है यीशु के नाम से बाहर, मैं बोलता शांत, ये बोलता बाहर, मैं बोलता शांत, ये बोलता बाहर. आप समझ सकते हो कि मेरे यहाँ से पसीना बह रहा है, आंखों में डर है, दुष्ट आत्मा बाहर आई तो अरे पर तू गया. मैं बोलता शांत हो, ये बोलता बाहर, मैं बोलता शांत हो, ये बोलता बाहर. मैंने बोला लॉर्ड मैं नहीं कर पाऊंगा, डर था, मैं नहीं कर पाऊंगा. मैंने दूर से, मैं उसको टच भी नहीं किया, मैं बोला आप उधर गिर रहे हो, गिरने दो मेरे को फर्क नहीं. मैं दूर से लॉर्ड इसको शाम कर, और प्रेयर करके जस्ट रिमूव हुआ. वो लोग
उसको थोड़ा सा होश आया थोड़े वक्त पर, बोलती है भैया मेरे पास ना बेबी ब्लेसिंग नहीं है, 3 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं है। मैंने बोला प्रार्थना करूंगा हो जाएगा, आप चले जाओ। सर क्या बोला? प्रार्थना करूंगा हो जाएगा, चले जाना। डर लग रहा था कि मैं इसको फेस नहीं, दुष्ट आत्मा था ना। 15 दिन के बाद फोन करती है, बोलती है भैया 3 महीना हो गया प्रेग्नेंट। सबसे डर था अंदर, मैंने हाथ भी नहीं लगाया उसको, बोलती है भैया प्रेग्नेंट। धीरे धीरे सेवा की शुरुआत करने लगा। आज आप बिलीव नहीं करोगे, इंटरनेशनल प्रॉफिट्स फॉलो करते हैं। आमेन। अफ्रीका बोलते हैं प्रॉफिट आ जाओ ना, मेरे इंडिया को कौन संभालेगा, कौन संभालेगा? आप संभालोगे, आप संभालोगे, आप संभालोगे तो मैं चला जाता हूँ, पर आज तक आपसे आग्रह नहीं हुआ मेरा। फादर बिग मंस का गाना है, जंजीरों में जकड़े हुलों को, जंजीरों से मुक्त होना है, घायल किए हुए सबको कलवरी के पास आना है, प्रभु से नजर मिलाना है। ये वक्त आपका है, आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। कितने लोग बिलीव करते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, कितने लोग बिलीव करते हैं बरकत के ऊपर, कितने लोग बिलीव करते हैं प्रॉस्पेरिटी के ऊपर? यस, दिस इज योर टाइम, इस समय आपका है। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर, Zoom के लोगो, YouTube के लोगो, Facebook के लोगो, lift up your hands, this is your time. जरूरी नहीं है कि मैं इधर हूँ और आप मुझसे दूर हो, distance doesn't matter. ये समय आपका है, lift up your hand and close your eyes. इस समय हमारा भविष्य होता है, इस समय हमारा भविष्य होता है. I hear like महिमा महिमा, I don't know, Zoom पर अगर कोई महिमा हो तो sister इस समय आपका है. रवि प्रमाण प्रकोष्ठ के थे, लिफ्ट अप योर हैंड्स। जंजीरों में जकड़े हुलको, लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। अपने आप को बंद करके, अपने हाथ को उठा कर, इस समय आपका है। घायल किए हुए सबको लोगों को
corner
मैं कोई प्लेस हो सकता है कॉर्नर कॉर्नर आइया कॉर्नर 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 जस्ट रिलैक्स आई थिंक कॉर्नर से मैं जैसे कोई फूड सेंटर का कॉर्नर फूड सेंटर में यानी कि अभी इतना एक्यूरेटली वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन यस दिस वेट तो भाई क्या बोलता हूँ This is India, my brothers and sisters. Amen. Africa, jao. सामने में एक शो हम करके रहता पहले मेरा फ्लैट पर मतलब आपके साथ रहता फ्लैट में रहता था ऊपर फिर सामने में रहता है जहां से माइनस मूव करना चाहिए था जो फाइनेंस मूव करना चाहिए था वो मूव नहीं किया एंड आई डोंट नो व्हाई आई साउ लाइक 50% स्पिरिचुअल एंड 50% फिजिकल ये सब वापस से रिस्पॉन्स करो ये अगर आप पूरे स्पिरिचुअल तो बोलो प्रॉफिट इज इट राइट एंड लॉर्ड ने मेरे को स्पिरिट में उठाकर आई डोंट नो जैसे कोई हैदराबाद का बॉर्डर जस्ट स्पिरिचुअल लिफ्ट अप करके ऐसा हैदराबाद एंड आई बिगिन टू मूव अगेन ऐसा गुजरात अगेन आई मूव ऐसे मैंने अलग अलग स्टेट्स देखे सिंपल मींस लॉर्ड ने आपको प्रोफेसर He said, ऐसा कभी नहीं हुआ प्रोफेसर ने फ्यूचर जब मैं स्प्रिट में लिफ्ट अप हुआ ऐसा हैदराबाद का जो बॉर्डर होता है ऐसा मैं खुश रहा एंड मैंने आपको मूव करते देखा जस्ट फॉर द Now, starting in 2017, 2018, 2017 और 2018 के अंदर मैंने आपको लॉर्ड के साथ मूव करते हुए
2017 and 2018. Now I begin to move 19, 20, and 21. Ab hi kya bolte hain sir? 50 idhar hai to 50 idhar. Because desires fulfill nahi hui hai ab tak. Ek prophet isliye aata hai ki wo kisi ke darwaze ko khol kar aata hai. Now main aaj anoint kar do na. लॉर्ड इस बेटी को तूने चुना है और मैं इस बेटी को आज इसके मिनिस्ट्री की अफेयर करता हूँ फादर. लॉर्ड मैं आज इस बेटी को इस मिनिस्ट्री की अफेयर करता हूँ फादर. लॉर्ड तेरे हम बल ने इस बेटी को करना है आशीष लगाने में आगे लो सब. लॉर्ड इस बेटी को आज मैं तेरे कार्य के लिए अभिषेक करता हूँ. What is the problem? Because I saw disease. Toh wala mulia hai ka? Yes. Hai ka? Yes. Mulia ka tira? Lagna sa lana tisa? Lagna sa lana? Tisa mulia sa lana ka? तुम्हें मला सांगितलं का तुमच्या मुलीचं लग्न झालंय तिला मुलगी आहे. स्टिल लाइक अ Because I was supposed to
हो सकती है जिसका नाम प्रतिभा ना क्या हम लोग यस 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 कोई कोई हाथ उठा रहा है प्रीति 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 ये सब वेट कर 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 प्रभु Vivo 1727. Yes. Prithi, kaun hai Prithi? Yes, please. Jaldi. Raman prakita akshte lebe bedrehi se. Agar koi hai to unmute karo jaldi. Koi Prithi hai to. जैसे ही मैं उस बिल्डिंग के अंदर एंटर किया उस बिल्डिंग का जो लिफ्ट है अराउंड 6 महीना चलता है तो 6 महीना खराब रहता है और मैं टर्न होकर बिल्डिंग के स्टेयर्स से मूव किया आई सॉ 300 और जब मैं उस थर्ड फ्लोर पे आया कोई आपके बिल्डिंग में रहने वाला आपके घर के आसपास का शेखर कोई भी बिकॉज आई हियर शेखर एंड आई बिगिन टू मूव हनुमान चीजों को लोकेट करना एंड आई सॉ लिसन आई हियर लाइक शेखर को जानता जो शेखर शेखर को कोई जानता क्या था मेरा कुछ रिस्पॉन्स करो नहीं नहीं ओके पीओ तो एनीवे हम लोग आपके बारे में बात करते हैं जीरा मार के हास्ते कुछ ये सारे के टू मूव एंड नाउ कैन आई प्रोफेसर प्रोफेसर और जब मैं चीजों को देख रहा हूँ सिस्टम जस्ट लिसन टू मी कुछ रिस्पॉन्स Yes, I saw number 9 and I saw 2012 and I began to move and I saw ki koi bhi cheez shift nahi ho rahi hai kuch bhi cheez shift nahi ho rahi hai and law ne
इसलिए लोगों ने किया पीहो पीहो कि आज ये जो बच्ची है जैसे हम लोग आपको कितने बच्चे हैं दो 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 फर्स्ट बॉर्न कौन है दो फर्स्ट बॉर्न कौन है पहली लड़की कौन है ये वाली नहीं है ये वाली नहीं है तो जैसे जो फर्स्ट बॉर्न लाइक ऐसा कि जो चीज जैसे हम लोग मन्नत मांग कर लेते हैं ना मन्नत मांग कर उस तरीके की चीजों को मैंने मन्नत मांगते हुए देखी और जैसे वो चीज 2012 के अंदर फुलफिल होते हुए मैंने देखा और मैंने एक बेबी गर्ल को जो बेबी बॉय होना चाहिए था एक्चुअल में वो बेबी गर्ल होते हुए देखा एंड नाउ आई बिगिन टू मूव लॉर्ड ने आज इसलिए लोग किया बिकॉज आई हैव डिलीवरेंस कि खुदा आज आपको जो भी चीजों के थ्रू आप मूव कर रहे हैं जो शिफ्ट नहीं हो रही है वो चीजों से आप तो शिफ्ट कर रहा है नाउ मैं आज आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं They need deliverance. Yes. क्योंकि वो दोनों बच्चे सो नहीं पा रहे हैं काफी दिनों से और रात पर नहीं सो पा रहे काफी तकलीफ हो रही है उन्हें और काफी दिन हो चुका है काफी 3-4 महीने हो चुके हैं जो सो नहीं पा रहे और दोनों बच्चों को काफी सता रहा है कोई आकर रात को उठा रहा है बहुत डरे हुए क्या आज आप बिलीव करते हो कि ये भविष्य वक्ता आज आपके लिए प्रार्थना करें तो आपके घर के अंदर फिर एक बार कुछ शांति आमीन जो के लोग आपसे बात कर रहा खुदा वो सच के लोग के लिए उसके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूं फादर इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड आई डिक्री एंड आई डिक्लेयर डिलीवरेंस डिलीवरेंस एंड डिलीवरेंस फादर एंड आई बिलीव इट इज डन Again I saw P. Number 8. शायद आपका बॉय डेट हो सकता है Listen, Zoom के बाहर कोई हो या फिर इधर कोई हो I saw P. जैसे मैं मूव हुआ आई सॉ लॉट ऑफ सिचुएशंस देन आई बिगन टू मूव 2017 स्टिल वेरी बर्डन मूव हो रहा है देन आई बिगन टू मूव 2018 जन फेब मार्च अप्रैल अप्रैल के बाद जैसे लगा 2018 के बाद चीजें थोड़ी थोड़ी शिफ्ट होने लगी एंड आई बिगन टू मूव शिफ्ट हुई 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 एंड आई बिगन टू मूव 2019 आई 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 2019 and I began to move 2020 2019 में एक मैन ऑफ गॉड को मैंने कनेक्ट होते हुए मिले एक मैन ऑफ गॉड 2019 एंड आई बिगिन टू मूव उसका नाम जैसे पी से स्टार्ट होता पी से आई डोंट नो 2019 देन अगेन 2020 एंड 2021 2020 में उसको लेफ्ट होते हुए मैंने देखा एंड आई बिगिन टू मूव 2021 And I began to move. I saw, like, कोई बांध कर रखता है आपके दिशा में, like, hold कर रखता है ऐसे. ये जो hold किया हुआ strong hold है spiritual life में, जो rise होने नहीं देता, because I saw temptation, जो सता है उसे उसे रात के समय में, अगर आप प्रहार जब रहे हैं इससे लगा सकते हैं. It is true. Yes. और जब चीजें मूव हो रही है तो जैसे रात के समय में कोई आकर टच करने की कोशिश कर रहा है
It is true. It's a spirit. And I think to move. ये चीज शिफ्ट हुई 2017 से 17, 18, 19, 20, 21. और आज वो चीजें रात के समय याद है जैसे बदन को टेंट कर रही है कि जा यही दे रही है ये जो चीज अब तक हो जानी चाहिए थी वो चीज अब तक नहीं हुई एंड आज आप प्रॉफिट अर्पण से प्रभु एक जगह के ऊपर जैसे गिफ्ट रखा हुआ हो इसको खुदा कह रहा है ये सुवार्थी है ये इवांजेलिस्ट है आप समझते हैं इवांजेलिस्ट इवांजेलिस्ट और अगर मूव जैसे फैमिली के अंदर ऑलरेडी पास्टर्स मूव हो रहे हैं साथ जब मैंने मूव होते मैंने कहा तो वो भी एक मैन ऑफ गॉड है जो 2022 में आ रहा है क्या कहना है शादी का आज जो स्प्रिट आपको इतने 5 सालों से सता रही है आज का दिन आखिरी I saw little M and little M and like a, I don't know like what accurate which I saw little M and then I saw number 70 number 17 hai aur uske sath number 17 ke sath ek letter hai jiska M se starting hai and I begin to move like a manju I don't know Like, I don't know, I saw like little M and I saw number 70 and I began to move 2017 Amen so, कैसा लगा आज का सेशन
पिता हैया मैं हालेलुया हालेलुया कल तैयारी के साथ आज शुरुआत है कल खत्म होने वाला आमेन जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा पवित्र आत्मा के कार्य आमेन यस लेट अप योर हैंड्स कर आई एम गोना फील शाय आज इस जगह पर जितने लोग हैं जूम के ऊपर लॉर्ड ऑफलाइन यूट्यूब के ऊपर फेसबुक के ऊपर जितने लोग आज देख रहे हैं अगर ये लोग बीमार हैं इस वक्त ये लोगों के ऊपर हीलिंग करो आई डिक्लेयर हीलिंग हीलिंग एंड हीलिंग अगर ये लोगों के जीवन के अंदर प्रॉस्पेरिटी नहीं है स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी आज भी लोग कर रही है आई डिक्लेयर प्रॉस्पेरिटी आई डिक्लेयर प्रॉस्पेरिटी आई डिक्लेयर प्रॉस्पेरिटी जितने लोगों ने इस मैसेज को सुना इस प्रॉपर्टी को देखा और ये लोगों को ब्लेस कर कल का दिन जिसे तो है यीशु के मुख से कहा यीशु कहता है कल का दिन हमारे विजय का और जय जय का आमेन और कल का दिन हमारा जय जय का है इस आगे के समय को पास्टर ने आता हो देखा आगे वो दिन करें आमेन हालेलुया हालेलुया आज उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में और करने जा रहा है इसलिए कल ठीक 10:30 बोला 10 बजे हम आ जाए हालेलुया तो आधे घंटे एक घंटे में हम उनको माइक दे देंगे तो ये सर्विस 2 बजे चलेगा और प्रॉफिट को हम बहुत समय देने वाले हैं कल इसलिए कल सभी लोग आ जाइए और हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे विशेष दान हम लेने जा रहे हैं जूम में जितने लोग हमें देख रहे हैं आप भी हमारे बार कोड को स्कैन कर सकते हैं बार कोड स्क्रीन में है आप दान को चढ़ा सकते हैं परमेश्वर के लिए हालेलुया हालेलुया पास्टर ललित बोल रहे थे